नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार मीडिया और मैं हूं एम के अखमल। कल रात एक बहुत बड़ी घटना हुई है जो कि पूरे देश में जो है ये घटना के बारे में आप पता चला है। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल जो है इस घटना के बारे में चला रहे हैं। ये घटना जो हुआ है, अभी हम वहीं पर मौजूद हैं और देख सकते हैं हमारे पीछे ये मकान, इसी मकान में ये घटना हुआ है। और इस घटने में इतनी बड़ी क्षति, इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि आप देख सकते हैं कि पूरा गांव का गांव सुनसान पड़ा है, रो रहा है, बिलख रहा है। बहुत सारी महिलाएं यहां पर आई हुई हैं। घटना ये हुआ है कि इस घर में जो रहने वाले हैं, जिनका ये घर है, उनका नाम इश्तियाक है और वो आइसक्रीम बेचा करते थे गाँव में घूम घूम कर। जैसा कि सूत्रों के हवाले से हमें और लोगों से बात करके पता चल रहा है कि वो आइसक्रीम बेचने के बाद अपने घर पर आते हैं और कुछ बच्चे, आसपास के जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर आ जाते हैं। और इसी दौरान जो है एक बहुत बड़ा धमाका होता है इसी घर में। वो धमाके के बाद जो है, वो अभी तक का जो खबर है वो ये है कि पांच लोगों के, जिसमें चार बच्चे और एक इश्तियाक जो कि खुद थे, पांच लोगों की जो है वो अभी तक मौत हो चुकी है और दो लोग अभी भी जिंदगी और मौत से के बीच में जो है वो जूझ रहे हैं। एक और दो लड़कियाँ हैं, दो बच्चे और हैं, वो हालांकि खतरे से खाले हैं, खतरी जो जान का जो खतरा है वो उनको नहीं है, लेकिन उनको भी गंभीर चोटें आई हैं। हम यहाँ से पर जो है वो कुछ परिवार वालों से बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि इस माहौल में बात कर पाना बड़ा एक लग रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं ये घर, इसी घर से पांच लोगों की जो है यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो मौत हुई है यहाँ पर। हम कुछ अंदर आके आपको दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन से चाहूँगा कि आप आ जाएँ। अब ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो पुलिस जो है वो इस घर को जो है वो सील कर चुकी है। और यहाँ पर जो है वो तरह तरह की बातें जो है वो लोगों की तरफ से कही जा रही थी कि ये गैस सिलेंडर का ब्लास्ट हुआ है। कोई कह रहा है कि नहीं, ये कबाड़ा वगैरह खरीदते थे गांव में घूम घूम कर, उसमें जो है वो कोई बम वगैरह इनको दे दिया है। हालाँकि अगर हम अपने क्षेत्र की बात करें तो ये नक्सली प्रभावित क्षेत्र भी हमारा है आसपास। आज से कुछ साल पहले जो है वो नक्सलियों का अच्छा खासा दबदबा हुआ करता था, तो इस नज़रिए से भी जो है वो लोग जोड़ के बोल रहे हैं। लेकिन मनातू पुलिस जो है वो यहाँ पर इस जगह को सील कर चुकी है और मनातू पुलिस हर बिंदुओं पर वो जांच कर रही है। हालांकि अभी तक की जो सूचना है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पांच लोग जो है वो अपनी जान को गंवा चुके हैं। यही वो घर है और इसी के अंदर जो है लोग जैसा कि बता रहे हैं कि वो जो कबाड़ा वगैरह खरीदते थे वो ला कर तौल रहे थे और बच्चे जो थे इसी आस पास में थे, उसी वक्त जो है ये धमाका होता है और पाँच जो लोग हैं अपनी जान को गवा देते हैं। ये देखिए, ये इश्तियाक है जिनकी जो मौत हुई है, ये उनका गाड़ी है, इसी गाड़ी पर जो है, और ये देखिए उनका पेटी जिसमें वो जो है आइसक्रीम बेचा करते थे गांव में घूम घूम कर, ये उनकी गाड़ी, ये उनका पेटी। आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पर आकर लगाते हैं। और जैसा कि लोगों से ये पता भी चल रहा है कि जो आइसक्रीम बेचने के बाद जब वो घर पर आते थे तो बचा कुचा जो आइसक्रीम का जो टुकड़ा होता है वो आसपास के बच्चे जो है वो उनको दे दिया करते थे। तो ऐसा ही कुछ संभावित लोगों की तरफ से बताया जा रहा है कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा। इश्तियाक जो हैं वो आइसक्रीम बेचकर आए होंगे यहाँ पर, सामान को रखा होगा, बच्चे आए होंगे आइसक्रीम खाने के लिए और इसी दौरान जो है वो जो है जो उनको सामान मिला होगा उसको कुछ अपने तरफ से वो खोलने की कोशिश कर रहे होंगे, इसी दौरान ये हादसा हुआ है। हालाँकि ये कयास लगाया जा रहा है, ये लोगों के द्वारा कहा जा रहा है, इसकी पुष्टि जो है अभी तक नहीं हो पाई है कि ये जो है वो बॉम्ब ब्लास्ट था या फिर सिलेंडर का था या क्या था। हालांकि पुलिस की तरफ से भी जो है अभी तक कोई भी बयान नहीं आ पाए हैं। पुलिस जो है वो हर एंगल से जांच करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात करेंगे, इनके बारे में और जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा आप आ जाइए इधर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक। यहीं के हैं आप? जी, उसका भाई है। क्या हुआ आप कुछ बताएं, कैसे हुआ, आप लोग को कुछ पता है कैसे आखिर इतना बड़ा हादसा हो गया? ये सुबह का टाइम निकलता था पेटी लेकर के बर्फ़ वाला, और निकल के सारा दिन देहात रहता था और देहात से आता था, और उसके बाद जो है से इन्होंने तोलता था, तोल के अपने मिलाता था कि आज हम कितना कमाएं। उसी तरीक़ा से डेली इसका यही था। कल भी वैसे ही किया कि देहात से आया और अयला के बाद जो है से कबाड़ा को उतारा, उतार के और वहाँ
कंटा लगा हुआ था और कंटा पर वही रखने के लिए चाहा और खोला, खोल के उजला एक मरतबा जैसे धमाका की आवाज़ आ गया। और जब हम बगल में मेरा घर है वहाँ से हम आए आते हैं तो रास्ता में पूछते हैं कि हम पूछे कि किसके यहाँ ऐसा हुआ है, तो लोग गांव वाला बताया कि तुम्हारा भाई के ही यहाँ ऐसा हुआ है। तो हमने फिर वहाँ जब भाई के यहाँ आए तो देख रहे हैं कि भाई का एक पैर भी नहीं है, एक हाथ भी नहीं है और पेट जैसे पूरा फटा हुआ है और पड़ा हुआ है। और देखिए कि दो बच्चे थे और दो बच्चियाँ, उन लोग जैसे उन लोग भी छटपटा रहा है उन लोग, तो किसी तरीका से फिर उन लोग को एम्बुलेंस को फोन करके। यहाँ पर कितने बच्चे हैं? जैसा कि पता चल रहा है कि 7 से 8 लोग यहाँ पर, कितने लोग इस जो ये जो धमाका हुआ है कितने लोग उस समय यहाँ पर मौजूद थे और कितने लोगों को जो है ये उन लोग इश्तियाक के लेकर 7 मौजूद थे। 7 लोग यहाँ पर मौजूद जी। अच्छा, 7 में से जो है वो 5 लोग एक्सपायर हो चुके हैं जी। 5 लोग एक्सपायर हो चुके हैं, 2 लड़का बाहर के है और 2 इश्तियाक के लड़का है और 2 इश्तियाक के बच्ची भी है, उन लोग भी घायल हो चुके हैं। अच्छा, मतलब इश्तियाक खुद और इश्तियाक के दोनों बच्चे जी इस ब्लास्ट में मारे गए हैं और इनके अलावा 2 आसपास के बच्चे भी मारे गए हैं और 2 बच्चे जो घायल हैं वो इश्तियाक के ही बच्चे हैं, दोनों लड़कियां हैं जो कि खतरे से बाहर हैं लेकिन बुरी तरह से वो घायल हैं, ये आप कह रहे हैं जी। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।